नमस्कार। स्त्री काल के YouTube मंच पर मैं हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करती हूँ और स्त्री काल मंच का आभार व्यक्त करती हूँ कि स्त्री काल हमेशा वंचितों और हाशिए के समाज के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है और हमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक मंच उपलब्ध करवाता है। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज हम चर्चा करने वाले हैं विभा रानी जी के कहानी संग्रह आतिश दाने पर, जिसके लिए मैं कोष्टक में नीचे लिख रही है मुस्लिम विमर्श की कहानियां। तो मुस्लिम विमर्श क्या है और क्यों ये जरूरी है, इस पर तो बात होगी ही। साथ ही साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान संदर्भों में हिंदी साहित्य में जो मुस्लिम समाज है वो कितना लेखनी में अपना सरोकार रखता है। तो मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रमुख, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं आज के, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी का। हमारे साथ हैं श्री भैरव लाल दास जी, आपका भी स्वागत है, और साथ में लेखिका हमारे साथ हैं आतिशदाने की विभा रानी जी। आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और इस बात को लेकर मैं बहुत चिंता व्यक्त करती हूँ कि जो मुस्लिम समाज है हमारे भारतीय समाज का विशेषकर, क्योंकि हम उन्हीं संदर्भों में बात करने वाले हैं, तो उन पर हिंदी साहित्य में किस तरह से बात होती रही है और आगे बात होंगी। आतिशदाने उस कड़ी में कहाँ पर ठहरता है या कहाँ पर खड़ा होता है या किस तरह से अपनी बात को कह पाता है, क्योंकि हम अगर विभाजन की बात, धर्म संप्रदाय की बात करें तो हिंदू या मुसलमान या गैर मुसलमान जब हम बातें करते हैं तो उस लिहाज से एक गैर मुस्लिम के माध्यम से लिखा गया ये एक कहानी संग्रह है, जिसके अंतर्गत हम जब विमर्शों की बात करते हैं, खास करके अस्मिता मूलक विमर्शों की बात करते हैं, जिसमें दलित विमर्श आते हैं, स्त्री विमर्श आते हैं, इवन आदिवासी विमर्श और अब वृद्ध विमर्श भी की भी बातें चल रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वहां पर हमारे पास शोषण, अत्याचार, प्रतिरोध, विद्रोह, इनके साथ साथ हम लोग स्वानुभूति या फिर प्रामाणिकता, जो अनुभूति की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता है, इन सब चीजों की परिभाषाओं की, संकल्पनाओं को, अवधारणाओं को समझते हैं। जब हम मुस्लिम विमर्श की बात, अगर हम उसके भी पहले की बात करें, तो भारत में हम देखते हैं कि मुसलमान, जिन्हें हम मुगल्स के रूप में अध्ययन करते हैं साहित्य या इतिहास की बात करें, तो वो शासक के रूप में हमारे यहाँ हमेशा से केंद्र में रहे हैं। उसके बाद जब मुगल के बाद जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पर शासन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सब मालूम है ये सारी बातें, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कि उन्होंने एक भेदभाव की फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। हमारा देश आजाद हुआ और एक धर्म निरपेक्ष देश कहलाया और काफी हद तक हम देखते हैं कि एक समान, सबका, सबके लिए संविधान जो बना वो सबके लिए बराबर था। फिर आज के समय में मुस्लिम विमर्शों की क्यों आवश्यकता है या विमर्श के केंद्र में मुस्लिम क्यों आ रहा है, और साहित्यकार के रूप में विभा रानी जब अपना कहानी संग्रह लिखती हैं तो उनको हाशी ब्रैकेट में मुस्लिम विमर्श का साहित्य रेखांकित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहले मेरा प्रश्न, हाँ जी, सबसे पहले मेरा प्रश्न प्रोफेसर मुश्ताक जी से ही होगा, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कि प्रोफेसर मुश्ताक जी जो है, अहमद जी जो है, वो कुल सचिव दरभंगा विश्वविद्यालय के रह चुके हैं, सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य हैं, उर्दू त्रैमासिक रिसर्च जर्नल जहां ने उर्दू जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है उसके संपादक हैं। आपने अब तक 21 आलोचनात्मक और शोधात्मक पुस्तकें लिखी, बाबा नागार्जुन के उपन्यास बलचनामा का उर्दू अनुवाद किया, तो मीर अतुल उरुस, अगर मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो तो क्षमा कीजिएगा, का मैथिली अनुवाद आपने किया, देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं और अकादमियों से दर्जनों आपको पुरस्कार मिले, सहारा में कश्ती आपकी नज्मों पर आधारित एक संकलन है और आईना हैरान है एवं जर्द मौसम की नज्में भी आपका एक काव्य संग्रह है। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत ज्यादा स्वागत है, और एक बहुत सीधा सा लेकिन सरल बिल्कुल भी नहीं है प्रश्न है कि मुस्लिम विमर्श क्यों?
सबसे पहले तो जी ये स्त्री काल के इस विशेष कार्यक्रम में आपका आपके तय इजहारे तशक्कुर पेश करता हूँ, बीवा जी के तय, भैरव बाबू के तय कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। देखिए, शब्द विमर्श एक ऐसा शब्द है, वो वहां शुरू होता है जहां ये एहसास हो जाए लेखक को, फनकार को, आर्टिस्ट को कि ये नेग्लेक्टेड है, इसे नजरअंदाज किया गया है, इस पे बातें नहीं हुई हैं। जहां तक प्रश्न मुसलमानों के ताल्लुक से है, उसके कई बिंदु हैं जिन पर अलग अलग विमर्शों की आवश्यकता पहले भी रही है और आज भी है। अगर क्योंकि भैरव बाबू का संबंध बहुत ही इतिहास से रहा है, शोध से है, मैं इस बातों पे आने से पहले एक शेर आप तमाम लोगों की खिदमत पे पेश करना चाहता हूं। और इस शेर का ताना बाना, इस शेर को अगर आप समझ लेंगे तो आतिश दाने की तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। वो शेर ये है कि जी कोई दीवार हायल तो थी कि हम तुम बरसो, कोई दीवार हायल तो थी कि हम तुम बरसो, एक ही घर में रहे फिर भी सनासा न हुए। बात, एक ही दिन में बहुत हम 8वीं सदी से आपके घर में हैं। आप बिल्कुल ये समझ लें कि ये जो हिंदुस्तान है, इसमें मुसलमान 8वीं सदी से हैं। 1200 सालों के बाद भी इस घर के लोगों ने अगर उन्हें नहीं समझा तो जाहिर सी बात है, इस पर तो विमर्श होना ही होना है, ये तो फितरी अमल है। खुद उर्दू में तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी कि हमें हिंदुस्तानी तहजीबो तमद्दुन के साथ, चूंकि हमने ऐलान करके यहाँ रहा, हमने अपने आप को बसाया कि हुब्बुल वतन मिलन ईमान, कि ये जो वतन है ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी इबादत है, इसलिए वहीं से विमर्श शुरू होता है कि इस घर में रहने वाला आदमी हमसे परिचित नहीं हो रहा है। हम दुनिया के दिगर हिस्से के जो मुसलमान थे और आज जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, दोनों में फर्क है। आप हिंदुस्तानी मुसलमान जो आज जो ये उपमहाद्वीप जो है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, जो कभी ये पूरा एक खित्ता था, उसकी तहजीबें, यहाँ के मुसलमानों की तहजीबें जो हैं, उसे उन दुनिया जहाँ के सिर्फ मुसलमान रहते हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी तहजीब का आलमबरदार है। इसलिए कि उसने अपने जीवन में उन तमाम पद्धतियों को शामिल कर लिया जिसका ताल्लुक इस्लाम से कभी नहीं रहा आना है, वो हिंदुस्तानी तहजीबो तमद्दुन संस्कृति में रच बस गया। लेकिन उसके बावजूद कई स्तरों पे, शुरू के दिनों में धार्मिक स्तरों पे, तो धार्मिक स्तर पे तो ये बात समझ में आती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही भेदभाव नहीं रहा है। धार्मिक सतह पे अगर आप देखें तो यहाँ दलितों के साथ भी होता रहा है, उच्च ये चार वर्गों जो हैं उनमें भी भेदभाव रहा है, उनको भी नेग्लेक्ट करने के मतलब छोड़ने की कोशिश की जाती रही है और आज भी है। आज जब 21वीं सदी में हम लोग बैठे हैं तब भी कोई किसी गांव में घोड़ी पे नहीं जा सकता, वो उनके नल से पानी नहीं ले सकता। हम मानवीय विकास के इतनी चिड़ियां चढ़ चुके, हम चांद पे चले गए, हमने समुन्दर की तहों में बसेरा कर लिया, लेकिन मानसिक तौर पे हम उतने वसत अपने फलक को, मस्तिष्क को ये नहीं फैला सके कि हम ये समझ सके कि दुनिया में जो है वो सब एक ही है। अगर इंसानी तसव्वुर सामने आ जाए तो सारे आईने पे तमाम धूलें साफ हो जाती हैं। देखिए, एक आम लोगों में
और साहित्यकार फनकारों में यही अंतर है। कहीं एक हादसा होता है, उस रास्ते से सैकड़ों हजारों लोग गुजर जाते हैं, वो बस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, चला गया। लेकिन उसी रास्ते से कोई साहित्यकार जा रहा है तो उनके मन में कई प्रश्न उठते हैं, क्या इसने, इसका हादसा कैसे हो गया, इसके नदी में इसने छलांग लगा दी तो इसके खुदकशी का की वजह क्या हो सकती है। हजारों लोग देखते हैं कि किसी आदमी ने छलांग लगा दिया। मतलब यह है कि एक फनकार जो होता है वो हसास होता है, उसके सामने, उसके जहन में, उसके मस्तिष्क में किसी तरह का इज्म नहीं होता। इज्म अगर है तो वो फनकार नहीं हो सकता, और जो फनकार इज्म के साथ लिखते हैं उसका फन जिंदा नहीं रहता। दुनिया में कितने लिखने वाले हैं, क्या वजह है कि, तो जहनी जो तहफुजात हैं, जो हमारे अंदर तबकाती निजाम को भी हम ठोड़ रहे हैं आज भी, वो चीजें अगर हैं तो उस दृष्टि में, अगर इस परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक सरोकार के परिप्रेक्ष्य में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों में जब देखेंगे तो मुसलमानों पर विमर्श होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए कि विमर्श न होने की वजह से ही इतनी खाइयां बढ़ गई है, इतने फासले बढ़ गए हैं कि हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो सामने शख्स है वो वाकई हमारे समाज का एक हिस्सा है या भी नहीं है। मैं मुबारकबाद देता हूं बीवा रानी जी को। मैं बीवा रानी जी को बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको साफ बता दूं, 6 महीने पहले, लेकिन इस बीच में मैंने 30-40 कहानियां उनकी पढ़ी मैथिली और हिंदी में। वो जागो नजमा और एक मसविदा भी उनका आया था जो शायद अभी छपी नहीं है, वो कहानियां पढ़ी मैंने। और अभी जिस पे अभी आज हम लोग बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस पे परिचर्चा हो रही है, आतिश दाने, उसको उनकी कहानियों, इस कहानियों को पढ़ने के बाद जो मेरे मन में एक बात आई वो ये है कि विभाजी चूंकि सामाजिक सरोकार की फनकार हैं, इसीलिए उनके जहन में ये विमर्श आया है। आपने एक प्रश्नों में कहा परिचय में कि क्या वजह है कि हिंदी में कहानियां नहीं लिखी गई। कहानियां लिखी गई हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो पेंटिंग का कैनवस है वो दूसरा है। उन्होंने इस देश के मुसलमानों को किस किस रूप में पेश करने की कोशिश की, यहाँ पे उससे बहस की जरूरत नहीं है। बीभा जी ने मुस्लिम, खास करके हमारे यहाँ राजेंद्र सिंह बेदी, उर्दू में उनके यहाँ भी बहुत सी कहानियां ऐसी है जिसमें वो पंजाब के हवाले से, या मुफ्ती मुफ्ताज की कहानियां आपने पढ़ी होंगी तो उनके हवाले से भी उन्होंने कोशिश की। जो मुस्लिम राइटर्स हैं उन्होंने भी ये कोशिशें की, लेकिन बीभा जी ने उस क्षेत्र की, उस परिवेश की महिलाओं को, या उस क्षेत्र की जो तहजीब है, तमद्दुन है, जो मुसलमानों के बारे में, देखिए गलत फहमी तो दूर की जा सकती है लेकिन खुश फहमी का कोई इलाज नहीं है। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक से खुश फहमियां लोगों ने पाल रखी है, जो सो कॉल्ड हमारे विद्वान हैं वो ये उनकी तमाम कमियों को देखते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को नहीं पेश करते, या फिर उसका इलाज क्या है। एक डॉक्टर के पास कोई जा रहा है या कोई डॉक्टर किसी को देख रहा है मरीज को, तो उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ देख ले, उसका इलाज क्या हो सकता है। मैं समझता हूं कि आतिश दाने की कहानियों में इन्होंने मुस्लिम समाज को बहुत करीब से देखने की कोशिश की है। जैसा उन्होंने लिखा भी है कि उनका जो परिवेश रहा है वो मुस्लिम समाज के आसपास रहा है, घरों में आना जाना रहा है। देखिए हिंदुस्तान में 4-5 मोड़ आए हैं तारीख के, बैरव बाबू उस पर ज्यादा बता सकते हैं, मैं तो विद्यार्थी नहीं रहा, मैं तो अदब का छोटा सा साहित्य का, अदब का तालिब इल्म हूँ। 1857, 1947, 1992 और 2002, ये चार अगर आप देखेंगे 100 सालों के इतिहास में इधर, तो ये चार पड़ाव में हमारी सोच जो है उसका जो फलक है वो दो बातें हुई हैं। कुछ ऐसे राइटर्स हुए जिन्होंने इसको विस्तार से देखा,
कुछ ऐसे हुए जो नजरियाती तौर पर बस एक चीज ही बात करनी है और उसी को बार बार करनी है। मुझे खुशी है कि आतिश दाने में विभा जी ने अपनी कहानियों के किरदार के जरिए, कैरेक्टर के जरिए, जो पात्र है उनके, वो पात्र नेचुरल हैं, बनावटी मालूम नहीं होते, और उस समाज का वो चित्रण, जिस समाज का वो कर रही हैं, तो ऐसा एहसास नहीं होता कि उन्होंने कोई ब्लूप्रिंट बना करके और उस पर एक दीवार खड़ी की है, बल्कि जो चीज उनको लगा, महसूस किया, यानी उनकी सोचो फिक्र का जो हिस्सा बन गया, जो उनकी फिक्र का, देखिए कोई राइटर्स जो चीज लिखता है अगर उसकी फिक्र का, उसकी नजर का हिस्सा नहीं बनता तो उसके अंदर कोई ओरिजिनिटी नहीं आ सकती है, उसके अंदर आवाज नहीं आ सकती है। वो कैरेक्टर जो भी इनके अंदर आया, वो कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि इस कैरेक्टर को जीने की कोशिश की इन्होंने। ये एक किसी कहानीकार के लिए बड़ी कामयाबी है कि वो जिस परिवेश की कहानियां लिख रहा हो तो कारी जो है, पढ़ने वाला है, उसको ये पता नहीं लग रहा है कि ये कहानी लिखने वाला दूर बैठा हुआ घर कमरे में बैठा हुआ टेबल पे बैठ करके कोई बात कर रहा है, बल्कि उसमें जो आप देखे होंगे इन्होंने इस्तेमाल किया, लोकल डायलेक्ट भी उसमें है, जो जमान के साथ साथ लिसानी जो लिंग्विस्टिक्स एक इंस्टिंक्ट होती है, उसकी पहचान होती है, वो उससे पहचानी जा सकती है कि ये किस परिवेश की कहानी है। अगर बॉम्बे में टेम्पो के साथ जा रही है तो वहां की जबानों का आसपास हाव भाव सारा ही नजर आ रही है, अगर वो मधुबनी के आसपास किसी गांव की कहानी है तो वो भी नजर आ रही है, ये सारी चीजें। हाँ, अलबत्ता एक कहानी इनके यहाँ है, उसमें मुझे लगता है कि इन्होंने भी वही किया जो सुन रखा है। जैसे एक कहानी इसमें है बेमुद्दत, जो हमारे यहाँ एक इस्लाम में इज्जत का तस्वीर है। सर आपको टोकूंगी, कहानियों पे हम जब नेक्स्ट उसमें राउंड में आएंगे तब बात करें, अगर आप इसी क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं मेहरा सर के साथ। हाँ, तो ये हाँ, तो आपने जो बात बिल्कुल सही कही कि जो इनके पात्र है, जो विमर्शों में जो हम कहते हैं ना अनुभूति की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता वाली बात है, तो वो विभा रानी की कहानियों में कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। जितनी मैं समझती हूँ जितनी ये मुस्लिम विमर्श की कहानियां आप कह रहे हैं, उतनी ही मानवीय सरोकारों की भी कहानियां हैं, बिल्कुल उसी तरह से। धन्यवाद सर। अभी मैं हमारे अगले मेहमान भैरव लाल दास जी का स्वागत करती हूँ, और आपकी एक चर्चित पुस्तक गांधी चंपारण और महिलाएं, जब मैं देख रही थी कवर पृष्ठ देख रही थी, पुस्तक तो नहीं मेरे हाथ लगी अभी, तो मुझे विद्या निवास मिश्र जी का एक निबंध याद आ गया, चरखवा चालू रहे, जो मैंने पढ़ाया अभी था, मोरे चरखवा के टूटे ना तार, चरखवा चालू रहे, और गानी बाबा बन ले दुल्हवा, अरे दुल्हन बनी सरकार। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई ये पुस्तक पढ़ने योग्य है बिल्कुल। सर जो है भैरव सर जो है वो बिहार विधान परिषद सेवा से जुड़े रहे हैं, इसके अतिरिक्त आप सचिव मैथिली साहित्य संस्थान पटना, संयोजक इंटेक पटना, चैप्टर चेतना समिति बिहार पुराविद परिषद, श्री चित्रगुप्त सभा पटना में आपकी सामाजिक सहभागिता रही है। आपने भारत के संविधान का मैथिली में अनुवाद किया है, बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बिहार विधानसभा परिषद में दिए गए भाषणों का भी आपने संकलन किया है। आपकी जो कई पुस्तकें हैं जिनमें जिनके केंद्र में मैं देख रही थी गांधी सत्याग्रह, चंपारण, गदर आंदोलन, ये सभी उनके केंद्र में है। इसके अलावा कैथी लिपि का इतिहास, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे भी सेम वही प्रश्न जो सर ने कहा उसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ना चाहें, और एक प्रश्न मैं इसमें और साथ ये जोड़ लेती हूँ कि मुस्लिम विमर्श के अंतर्गत जो विभा रानी जी का आतिश दाने हैं उसे आप कहाँ पाते हैं? स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी लंबा परिचय दे दिया, और मुश्ताक साहब शायरी से अपनी बात शुरू किए थे और मुझे उनको सुनने का बड़ा मन कर रहा था। बहुत दिनों के बाद वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन समय की एक कमी होती है जी। आपको सबसे पहले मैं धन्यवाद दूं जो आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया
वस्तुतः मैं साहित्यिक से मेरा बहुत गहरा सरोकार नहीं है, मैं बस आनंद लेने के लिए कहानियां उपन्यास आदि पढ़ता हूं। पिछली बार जब विभा रानी जी पटना आई थी तो उनके साथ कुछ घंटे गुजारने का मुझे अवसर मिला था, उनसे कुछ बातचीत करने का भी अवसर मिला था, लेकिन समय इतना कम था जो हम उन्हीं पर बात करते रह गए, उनकी किरदारों कहानियों या लेखनी पर हमारी उनसे बहुत लंबी बात नहीं हो पाई। आशा करते हैं जब वो पटना आएंगी तो हम उनसे और भी बातें करेंगे। जहां तक आतिश दाने का प्रश्न है, मैं इस पर कुछ बाद में आता हूँ। थोड़ी चर्चा जो अभी शुरू हुई मुस्लिम विमर्श की, उसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मुस्लिम विमर्श है ही, मुस्लिम विमर्श पर तो कहानी लिखी जा रही है, समाज में जो अभी आज के तिथि में जो घटित हो रहा है उसमें विमर्श की आवश्यकता है। मैं नहीं कहूंगा जो इसमें विमर्श की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, जो भारत में मुसलमान ना तो राजनीति की तरह के तौर पर आए हैं, राजनीतिक के तौर पर या शासक के तौर पर जैसा कि आम लोग समझते हैं, ना मैं ये मानता हूं जो वो यहाँ पर किसी तरह के उपद्रव करने के लिए आए हैं। सामान्य रूप से जो एक भौगोलिक परिदृश्य होता है, जो एक देश के नागरिक दूसरे देश में जा करके अपना व्यापार करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, अपना रोजगार करते हैं, वैसा ही उसी परिदृश्य में मुस्लिम भारत में भी आए हुए हैं। आठवीं शताब्दी की उन्होंने बात की थी, मुश्ताक साहब ने बिल्कुल ही ठीक कहा है, आठवीं शताब्दी के बाद से हमारी आवागमन शुरू हो गई है। और यदि मैं इसके उलट हिंदुओं की तरफ देखूं, जो यहाँ से कितने लोग माइग्रेट होकर के दूसरे कंट्रीज में जा करके, बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार मुसलमान यहाँ पर आकर के अपनी नागरिकता या अपना सब कुछ यहाँ दिए हैं, तो यहाँ से हिंदू भी दूसरे जगह जा करके दिए हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की अस्वाभाविकता नहीं है। एक चीज मैं कह करके फिर दूसरे विषय पर आता हूँ, जो यहाँ पटना में एक बेगू हजाम की मस्जिद, वो बेगू हजाम की मस्जिद शेर शाह के आने के पहले लगभग 35 वर्ष पहले यहाँ पर बनाई जा चुकी थी। तो शेरशाह को ही यदि हम मानेंगे, जो यहाँ पर मैं राजनीतिक या शासक के तौर पर में बिहार में उनका प्रवेश हुआ था, तो बेगू हजाम की मस्जिद इस बात की गवाही देती है, जो शेरशाह के आने से पहले भी यहाँ मुस्लिम धर्म या नमाज पढ़ने वालों की एक बड़ी तादाद पटना में आ गई थी, और उन्होंने ऐसी मस्जिद बनाई जो आज की तिथि में भी हम लोग जाते हैं तो बड़े गौरव के साथ उस मस्जिद के सामने में खड़े होकर कहते हैं, जो इतिहास की एक बहुत बड़ी हमारी मिसाल है। दूसरी बात उन्होंने कहा, उन्होंने मुश्ताक साहब ने कुछ उन्होंने तारीखें बताई, 1857, 1947, फिर बाद की दो तारीखें उन्होंने बताई, मैं अपने कोई नहीं दो पे रुकता हूँ। 1857 में यदि मैं पटना की बात करूं तो पीर अली को यहाँ फांसी पड़ी थी, टेलर ने उन्हें फांसी पर लटका दिया था, पीर अली भी मुसलमान ही थे, उन्होंने इस देश के लिए फांसी, और जब आप उनकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो अभी भी आपके रोए खड़े हो जाएंगे। टेलर के सामने में पीर अली ने कहा था, जो कुछ समय ऐसे आते हैं जब अपनी जान छोड़ने समय में हमको बहुत गौरव होता है, टेलर ने उनको कहा था यदि तुम चाहो तो माफी मांग सकते हो, तुमको जान बख्श दी जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पुरखे रहे हैं हमारे, उन्होंने देश की आजादी के लिए 1947 के 1857 में उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो हम ये नहीं मानते हैं जो हम इतने समय के बाद उनको अपनी आइडेंटिटी के लिए किसी तरह की एक्सरसाइज करनी पड़े इस देश में, एक बात। दूसरी बात, 1947 का मैं पार्लियामेंट्री डिबेट पढ़ रहा था, आपने ठीक ही कहा रक्षा जी, जो मैंने संविधान का अनुवाद किया है डॉक्टर नित्यानंद लादास जी के सानिध्य में रहकर के काम किया, अब वो स्वर्गीय हो चुके हैं, इंग्लिश के प्रोफेसर थे फारबिसगंज में। तो मैंने पढ़ा जब 1947 के पाकिस्तान का और हिंदुस्तान को लेकर के एक बहुत बड़ी यहाँ पर घटनाएं हो रही थी, देश आजाद हो गया था, उस समय के बाद आप जो जो प्रोसीडिंग्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की, आप उसको पढ़ेंगे तो आपका गौरव, आपका सर ऊंचा हो जाएगा। एक तरफ जहां हमारा पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज पूरे खून में डूबे हुए थे, हमारे जो पुरखे थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर बात कर रहे थे, उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को बड़े ही आदर भाव के साथ वो सारे अधिकार देने के लिए वकालत की थी,
जो अधिकार एक इस देश में दूसरे कम्युनिटी को दी जाती है। तो हम नहीं समझते हैं जो जो इस तरह की कहीं कोई बात है हमारे इस भारत में। मैं व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान आज तक नहीं जा पाया हूं, मेरी बड़ी इच्छा है पाकिस्तान जाने की, खास करके भगत सिंह के उस समाधि स्थल को देखने की। लेकिन मैं बांग्लादेश गया हूं और बांग्लादेश में मैं गांव गांव घूम के देखा हूं जो वहां पर मुस्लिम की क्या हालत है, गरीबी की क्या हालत है, महिलाओं की क्या हालत है। और यह भी मैंने नोट किया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या हालत है। तो जब मैं वापस आता हूं तो बड़ी गौरव के साथ कहता हूं जो हमारे यहाँ वो स्थिति नहीं है जो किसी दूसरे कंट्रीज में देख करके हम दुखी होते हैं। हमारे यहाँ वो स्थिति है जो हम एक थाली में एक साथ बैठ करके मुसलमानों के साथ खा सकते हैं, मुसलमान हिंदुओं के साथ खा सकते हैं। हाँ, मुस्लिम विमर्श की जरूरत कहाँ पड़ती है? मुस्लिम विमर्श की जरूरत दो जगह पड़ती है, मैं आगे आपको ये बात स्पष्ट करूंगी और विभा रानी को मैं अपनी ओर से शाबाशी देंगी, अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देती हूँ। जो उन्होंने क्या किया है, आप देखे होंगे कबड्डी खेलते समय में, जब हम कबड्डी खेलते हैं तो हम एक दूसरे ग्रुप में जा करके कुछ लोगों को छू करके फिर से वापस आ जाते हैं, हो सकता है कुछ लोग फिर से वो जिंदा हो जाते हैं, ये खेल होता है। विभा रानी ने क्या किया, एक हिंदू राइटर होने के बावजूद उन्होंने मुस्लिम विमर्श के एक ऐसे विषय को छुआ जो विषय पर छूने की का साहस बहुत कम लोग करते थे। उन्होंने न सिर्फ मुस्लिम विमर्श की बात की है, मैंने समझता हूं जो आतिशदाने में सारे चीज मुस्लिम विमर्श के ही हैं, मैं समझता हूं जो उसमें एक ही साथ एक ही लॉ में एक ही डिबिया में एक ही चिराग में उन्होंने कई घरों को रोशन करने का काम किया, उसने प्रेम को भी परिभाषित करने का भी काम किया, उन्होंने गरीबी को भी देखने का काम किया। उनकी किरदार काम करने वाली महिलाएं हैं जो कि उच्च विचार रखती हैं और उनके सामने में तो लगता है मैं लेट जाऊं उनका पैर छू लूं, जो भाई वो इतने विपरीत परिस्थितियों में भी समाज को किस प्रकार से उद्वेलित करती हैं। तो बारी बारी से हम देखेंगे कहानियों की जो किरदार है, कहानियों की जो ताने बाने हैं, कहानी की जो निष्कर्ष है उसमें वो काफी सफल हुई है। और अपने ढंग से यदि एक कहानीकार को एक देश बनाने का मौका मिलता तो वो किस प्रकार का देश बनाती, ये भी आतिशदाने से छन के आती है। बिल्कुल सही आपने बात कही और आपने जो मेरे को एक नया शब्द दिया, मतलब मुस्लिम समाज या उसके संदर्भ में हमारे पुरखे, तो पुरखे अगर हम आप उनको कह रहे हैं तो ऑब्वियस है इनसे हमें बहुत कुछ मिला है। एक जिसे हम साझी संस्कृति बोलते हैं या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जैसे कहते हैं ना दूध में पानी मिल जाना, तो वो अलग कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको हमें स्वीकार करना ही होगा। रक्षा जी एक चीज मैं बता दूं, आपने कहा दूध और शक्कर की तरह या पानी की तरह, आप जब कभी भी जाएंगे दिल्ली में आप रहती ही हैं, दिल्ली में लाल किला जाएंगे तो लाल किला के अंदर में सो एक बड़े ही ढंग से लिखा हुआ है, उसको आप जरूर पढ़ेंगी, हालांकि वो शायद पर्शियन में लिखा हुआ है, जो मुस्लिम शासकों ने लिखा है, जो यदि धरती पर में स्वर्ग कहीं है तो यही इसी जगह पर में है। तो जिस गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं उसने वो लाल किला के अपने उस दीवार पर लिख दिया जो धरती पर स्वर्ग यही है। वो किसी न किसी कंट्री को छोड़ के आए थे मुसलमान यहाँ पर में, लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा जो हमारा मादरे वतन जो है वो धरती पर स्वर्ग है, उन्होंने कहा ये धरती पर स्वर्ग यहाँ पर में है। और धरती पर स्वर्ग के यदि आप बाद के दिनों में देखेंगे तो आपको लगेगा जो क्या कारण था जो यहाँ पर उन्होंने धरती को स्वर्ग बनाया। हाँ, मैं ये नहीं मानता हूं जो मुस्लिम विमर्श की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं जो मुस्लिम को और भी और रिफाइन होने की जरूरत नहीं है जैसे हिंदुओं को या और धर्मावलियों को होता है। समय के साथ सभी बदलते हैं, सभी को रिफाइन होने की जरूरत होती है, सभी को मानसिकता बदलने की जरूरत होती है। हम अच्छे दिनों की कल्पना करते हैं, हम अच्छी धरती की कल्पना करते हैं और हम यह देखते हैं जो हमारी धरती में अभी बहुत सारी बुराइयां पड़ी हुई हैं, कहानियों के चलते, उपन्यास के चलते, एक लेखक का जो तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, उसके चलते हम एक बेटर वर्ल्ड की कल्पना करते हैं और उसमें विभा रानी बहुत सफल हुई। बिल्कुल सफल हुई है क्योंकि उनकी कहानियां कहीं भी हमें जैसे कोई उपदेश देना या स्थितियों को इस रूप में लागू, जैसे फार्मूला लागू नहीं करती हैं, बल्कि मैं तो अभी आपसे यही प्रश्न करूंगी कि आपने मुस्लिम विमर्श लिखा ही क्यों, आप नहीं भी लिखती तो
ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती। विभा जी, आपका परिचय सच में अगर पढ़ने बैठूं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगा, इसे छोटा छोटा बताऊंगी बातें मैं, क्योंकि कौन सा कला का ऐसा क्षेत्र है जहाँ विभा जी का दखल नहीं है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जिसे कहते हैं, वो सच में विभा रानी जी के व्यक्तित्व पर लागू होता है। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में आपने साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और हाल ही में आपको कन्या एक घुंघरुआ वली पर लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान भी मिला है। इसके अलावा नेमी चंद्र जैन पुरस्कार भी आपको मिल चुका है, मोहन राकेश सम्मान से आपको नवाजा जा चुका है, और इसके अतिरिक्त आपके जो YouTube वीडियो हैं, जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें आप कौन सा ऐसा विषय जिस पर अपनी बात नहीं रखती हैं? बड़ी बिंदी अगर आपके YouTube इसके Facebook पेज की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे कहते हैं ना, हमारे समाज के अनसंग हीरो यानी वे महिलाएं जो अपना कार्य बिना किसी प्रचार प्रसार के चुपचाप कर रही हैं, उनको एक मंच देकर उनको एक पहचान दिलाती हैं। थिएटर रंगकर्मी के होने के साथ साथ उसमें तो आपका नाम है ही एक रोशन, जिसे कहते हैं सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने योग्य। इसके अलावा फिल्मी दुनिया में भी आपका अच्छा खासा नाम है, महारानी, लाल सलाम या वांटेड फिल्म में हम आपको देख चुके हैं। इसके अतिरिक्त गाली गीत लोक परंपरा या सोहर गीत लोक परंपरा को आप अभी तक जीवित किए हुए हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण परंपराएं हैं जिनको जिनको ना समझ होती है वे इसको अश्लीलता के दायरे में डाल देते हैं, लेकिन आप इसकी एक इसका एक परंपरागत या लोक महत्व जो है वो आप बताती हैं हमें। आपका स्वागत है विभा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आतिशदानी के लिए। और आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने जब लिखा मुस्लिम विमर्श की कहानियां, तो क्या आप उसके स्थान पर ऐसा भी लिख सकती थी मुस्लिम परिवेश की कहानियां? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो विमर्श शब्द है, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि मुस्लिम विमर्श आपने लिखा तो गलत लिखा, लेकिन मैं अपनी एक एक छोटी सी समझ बता रही हूँ कि जो विमर्श है वो साहित्य से निकल कर आता है ना। हम साहित्य पढ़ते हैं और फिर आलोचक या विचारक उसमें से विमर्श खोज कर लेकर आते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा भय या ऐसा एक एक किसी को उलझन हो सकती है कि ये विमर्श से निकली हुई कहानियां तो नहीं है कहीं, जबकि हम ये भी जान रहे हैं कि कहीं भी मुस्लिम विमर्श इस रूप में अभी प्रचलित नहीं हुआ है, जो कि अभी धीरे धीरे, हालांकि 90 के दशक से हम देख रहे हैं या उससे भी थोड़ा पहले से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज और साहित्य पर कहीं ना कहीं चर्चा होती रही है। एक मैं इसी अध्ययन के दौरान जब पढ़ रही थी तो शानी जी जो है वो नामवर सिंह जी से कहते हैं कि वो चिंता जताते, क्योंकि मैं उनका वाक्य पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझसे कहीं गलती ना हो, कि क्या ये शानी जी कह रहे हैं कि क्या किसी भी देश का भौगोलिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मानचित्र 12-15 करोड़ मुस्लिम वजूद को झुठला कर पूरा हो सकता है? और हम जानते हैं कि ये जो संख्या और जो आंकड़ा है दशकों पूर्व उन्होंने लिखा था, और आज उस आज भी स्थिति लगभग ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो आप जब आप मुस्लिम समाज, जैसा कि आपकी मैंने भूमिका में भी पढ़ा, मुस्लिम समाज के साथ हम लोग भी कई ऐसे मित्र हैं, हमारे जानकार हैं, लेकिन कभी हम एक एक विचारक या साहित्यकार भी तो नहीं कहूंगी, लेकिन उस दृष्टि से हम लोग नहीं सोचते हैं जिस दृष्टि से आपने 14 कहानियां, संभवतः मैं सही हूँ, 14 कहानियां आपने उसमें लिखी हैं, और हर कहानी अपने आप में एक एक जैसे कहते हैं ना कि सूक्ष्मदर्शी में जब हम बचपन में प्याज का वो देखते थे झिल्ली, और पूरा एक एक उसमें तत्व दिख जाता था, तो कोई पक्ष आपने नहीं छोड़ा, तो क्या आपको क्यों लगा कि इस इन कहानियों की क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम अनुभव की प्रामाणिकता विमर्शों में जब बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि दलित साहित्य जो है वो तो एक दलित ही लिख सकता है या एक स्त्री साहित्य, तो जब आप एक गैर मुस्लिम होकर मुस्लिम समाज पर लिख रही हैं, और सच कहें तो आपका नाम अगर उसमें ना हो, मैं अगर अपने अध्ययन की दृष्टि से बताऊं, कहानियां जब पढ़ रही थी, अगर उसमें आपका नाम ना हो तो मुझे नहीं लगेगा कि ये किसी गैर मुस्लिम ने लिखी है, तो अपने अनुभवों को लिखते समय जो है थोड़ा सा हमारे साथ साझा कीजिए। विभा रानी जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद रक्षा जी, और स्त्री काल का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इस कहानी संग्रह को अपनी चर्चा का विषय बनाया है। और देखिए, मैंने ये कहानियां कोई बैठ करके और किसी प्लान्ड तरीके से नहीं लिखी, और ना ही एक समय में बैठ करके कि मुझे एक महीने के अंदर 14 कहानियां लिखनी है, ऐसा मैंने नहीं लिखा। मैं मुस्लिम समाज से इस तरीके से जुड़ी हुई हूँ कि मैं टीचर फैमिली की हूँ। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि टीचर लेगेसी है हमारे घर में, मेरे नाना जी से लेकर के मेरे बाकी और रिश्तेदार से मिला करके लगभग 11-12 लोग टीचर रहे हैं, मैं खुद भी टीचर रही हूँ। और उस हिसाब से मेरे आसपास अलग अलग तरह के मुस्लिम समाज के लोग आते रहे हैं। बहुत से पात्र हैं जिन पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया है, जैसे भैरव जी भी बताएंगे, मुश्ताक भाई भी बताएंगे कि जो सुनार होते हैं और सुनार के यहाँ जो कोयले में ये सोना चांदी गलाया जाता है, और वो जो राख होती है हमारे यहाँ, वो राख जो कम्युनिटी लेती है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और वो लेकर के जाते हैं और उस राख को धो करके और उसमें से सोने और चांदी के कण निकालते हैं, और वो उनकी जीविका का आधार होता है। सब्जी वाले जो हमारे यहाँ के होते हैं, वो जिसको हम लोग कुंजड़े कहते हैं, कुंजड़ा या कुंजड़ेन कहते हैं, वो हमारी कम्युनिटी के होते हैं। तो हमारे यहाँ आयरनी ये है कि हम चीजों से प्रेम करते हैं और चीज देने वालों से नफरत करते हैं। मेरा नजरिया ये है कि हम पहले इंसान से प्रेम करें, वो हमें क्या दे रहे हैं वो बाद की चीज है, और उसको हम देखें कि हाँ, वो हम जो मिल रहा है हमें उसमें उसका उसकी इंसानियत और उसका इंसानी नजरिया है या नहीं है। आपने कहा कि मुस्लिम विमर्श मैंने इसे क्यों दिया, तो देखिए, मैंने कहानियां लिखी हैं, मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है, मैं पत्रकार की तरह जाकर के मैंने रिपोर्टिंग नहीं की है कि यहाँ पे ये हुआ वहां पे वो हुआ। मैंने जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, इसमें बहुत सी चीजें हैं जिसमें मेरी सास का बहुत, जो मेरी मदर इन लॉ रही हैं, अम्मा जिसे हम कहते हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। उनके पास अनुभवों का जैसे कि जखीरा था, और वो कई चीजें वो लेकर के वो आई हमारे सामने। ऐसे ही हम लोग बात करते थे और कहते थे उनके समय में ये सब हुआ, फिर वही सारी चीजें मेरे समय में हो रही है, मुंबई जैसे शहर में हो रही है। तो हम जो एक तरफ कहते हैं कि लोग बहुत, हमारा समाज बदल गया है, आज भी जब महिला की बात होती है तो कहते महिलाएं बदल गई हैं, बहुत प्रगति हो गई है। दलितों की बात होती है तो दलित बहुत जागरूक हो गए हैं। मुसलमानों की बात होती है तो मुसलमानों का तो हम लोगों ने ऐसा कायांतरण कर दिया है कि हमने उनको, जो भैरव भाई ने कहा, भैरव जी ने, कि वो पीर अली फांसी पे चढ़ाए गए, तो हमने तो उन्हें ऐसा बना दिया कि वो हम सबको फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा जो हमने परिवेश बना दिया है, तो इस परिवेश में हम ये भूल जाते हैं कि घायल की गति घायल जाने, कि अगर कोई मुझे उस परिवेश में ला करके रख दे तो मेरे लिए वो कितनी त्रासद स्थिति होगी, कितनी घुटनकारी स्थिति होगी, चाहे मैं औरत हूं, चाहे मैं मर्द हूं, चाहे मैं बच्चा हूं, चाहे मैं धनी हूं, चाहे मैं गरीब हूं। और इस यहाँ पे प्रशासन ने, आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में कि देश के सबसे बड़े फिल्म आइकन, जब उनको भी नहीं छोड़ा गया, तो हम और आप और मुश्ताक भाई या और उस तरह से रहने वाले सलमान भाई या यूसुफ भाई या नगमा बहन, उनकी जिक्र आया तो ये, इन सब की जरूरतों को देखते और समझते हुए मैंने कहानियां लिखी हैं, मैंने रिपोर्टिंग नहीं लिखी है। इसलिए मुझे लगा कि परिवेश तो वही है जिसमें एक हिंदू भी रह रहा है, वो हिंदू एक दलित भी है, वो हिंदू एक स्त्री भी है, और उस परिवेश में एक मुसलमान भी रह रहा है। लेकिन जैसे ही मुसलमान का टैग उसके माथे पे लगता है, परिवेश सारी चीजें बदल जाती हैं। तो मैं उस परिवेश में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं नहीं लिख सकती हूँ। इसलिए इसको मैंने विमर्श का नाम दिया, और विमर्श होना मेरी नजर में बहुत जरूरी है। कि एक समय था कि हमने स्त्री विमर्श पे भी बात नहीं की थी, लेकिन जब विमेन लिप चला और फेमिनिज्म की बात आई तो धीरे धीरे वो आया। फिर दलित विमर्श पे जब बात चली तो वो आया। तो मुस्लिम जो आज हमारे समाज की सबसे बड़ी जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण अहम हिस्सा है, तो उनके आज के हालात पर या उनके जो दिक्कतें हैं या हमने जो उनको दिया है, अभी भी जो देते रहे हैं, और उनके प्रति जो हम जो रवैया अपनाते रहे हैं, तो उनको लेकर के विमर्श क्यों ना हो,
ये सोच करके ही मैंने इसमें लिखा सब टाइटल के रूप में कि मुस्लिम विमर्श की कहानियां, ताकि लोग समझें कि यहाँ बात कहानियों की नहीं हो रही है, यहाँ बात मुसलमानों के परिवेश देने की नहीं हो रही है, यहाँ मुसलमानों को टारगेट इस रूप में किया जा रहा है कि गैर मुसलमान देखें, सोचें, समझें, और यहाँ तक कि मुसलमान भी देखें, सोचें, समझें और अपने हालात पर भी गौर करें कि क्या हमें कहीं बदलने की जरूरत है। और हिंदुओं को तो है ही बदलने की जरूरत, क्योंकि वो एक तरफ अपने को बड़ा भाई मानते हैं तो बड़े भाई का फर्ज होता है कि अपने छोटे भाई को संभाले। तो इन सारी चीजें तभी आएंगी जब हम एक विमर्श का दायरा बनाएंगे और उसमें हम अपनी चीजों को रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैं इसीलिए पहले ही मैंने बोला था कि आपने जो लिखा है वो गलत नहीं है, बस मैं अपनी थोड़ी जिज्ञासा आपके साथ गलत बात में नहीं कह रही हूँ। आपने जो शब्द दिया वो शब्द भी है, लेकिन यहाँ मैं जिस कॉन्सेप्ट के तहत मैं इस पे काम कर रही थी संग्रह बनाने के समय, बाकी कहानियां तो अलग अलग समयों में लिखी जाती रही हैं, जब जैसा जो माहौल मिला मुझे, ये माहौल भी हमें इसी देश ने ही दिया है, इस आजाद देश ने दिया है, जो माहौल नहीं होना चाहिए लेकिन हमें दुर्भाग्य से मिला है, तो जैसे जैसे माहौल मिलता गया मैं वैसे वैसे लिखती। अब ठीक है मेघा जी, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हम आपकी कहानियों पर आएंगे, उसके पहले मैं एक वापस जो मैं पढ़ रही थी शानी जी की बात, उसी पर आती हूँ कि एक चर्चा परिचर्चा में नामवर सिंह जी ने जब कहा कि हिंदी साहित्य से मुस्लिम पात्र गायब हो रहे हैं, तब शानी जी ने कहा कि मुस्लिम पात्र पहले भी नहीं थे, उस तरह से गायब कहाँ हो रहे, ये उनका प्रश्न चिन्ह था। और उन्होंने उस समय गोदान का उदाहरण दिया कि इतना बड़ा महाकाव्यात्मक उपन्यास जो है गोदान, उसमें आपको एक भी मुस्लिम पात्र नहीं दिखाई देता, जबकि हमें तेलुगु, तमिल, बंगला और असमिया में दिखाई पड़ते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आप दोनों से, हमारे जो मेहमान है उनसे भी जानना चाहूंगी कि क्या ऐसा कारण रहा होगा, उसको मतलब संक्षेप में बताते हुए। लेकिन जो मैं एक और इस संदर्भ में एक और बात करना चाहूंगी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम, ईदगाह कहानी हम सबने पढ़ी है, और इसके अलावा मेहरू निसा की एक कहानी है त्योहार, त्योहार जो कि ईद पर ही है। तो दोनों कहानियों को जब मैं पढ़ती हूँ तो जहाँ पर ईदगाह जो कहानी है वो ईद का एक खुशनुमा माहौल हमारे सामने रख देती है, जिसमें एक संवाद भी आता है कि सभी खुश थे विशेषकर लड़के, जबकि जब हम मेहरू निसा की कहानी त्योहार पढ़ते हैं तो उसमें वो जो छोटी बच्ची है जिसको ईद आने में बड़ी खुशी है, नए कपड़े बनेंगे, लेकिन उसकी माँ जो है वो कुड़कर कहती है गरीबी का क्योंकि आलम इतना है कि ये क्यों ईद चली आती है। तो ये अंतर है एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम, जब परिवेश को, किसी भी समाज के परिवेश को जब लिखने बैठता है तो कहीं ना कहीं अंतर तो आ जाता है। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप जो उदाहरण दे रहे थे इनकी कहानियों का, शायद बेमुद्दत जो कहानी का उदाहरण दे रहे थे, मेरे लिए भी बड़ी चिंता की विषय था कि वो कहानी पढ़कर मैंने मैडम से अलग से बात की फोन करके, ये क्या है, तब उन्होंने मुझे जो बातें बताई वो मैं अभी नहीं करूंगी, आप इस कहानी पर जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, अभी आप लोगों को सुना उससे और भी ज्ञान वर्धन हुआ हमारा। देखिए, एक शब्द जो बार बार आ रहा है कि विमर्श की आवश्यकता क्यों है, हिंदुस्तान में विमर्श की आवश्यकता इसलिए है कि हम सनातन का जो परचम है वो उस पर लिख रखा है वसुधैव कुटुंबकम, है ना, लिखा रखा ना हमने, हमने ऐलान कर दिया कि पूरी दुनिया जो है हमारा परिवार है। दूसरा, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी संस्कृति इंक्लूजन की है, एक्सक्लूजन की नहीं। लेकिन एक माह पूर्व आपने देखा कि इस देश के संवैधानिक पद पे रहने वाले ने क्या कहा कि इस देश का मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीन सकता है। विमर्श की आवश्यकता इसलिए है, आपको उस परिप्रेक्ष्य में देखना है। भैरव बाबू ने भौगोलिक परिस्थितियां सामने रखी आपने, और वो नैरेटिव जब 21वीं सदी के तीसरी दिहाई में प्रवेश करने पर ये बातें आ रही हैं, तब
जो लेखक हैं, जो चिंतक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके लिए ये विषय, ये मौजू फिक्रमंदी, विमर्श का मतलब होता है कि जिस पे हमने फिक्र करना शुरू कर दिया, हमारी चिंताएं हमारे अंदर सोई कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये कहानियां जो आतिश दाने की है, मैंने वो इनको भेजा नहीं है, मैंने लिखा है कि ये कहानी समुन्द्र में एक कंकरी फेंकने के मुतरादिफ है। यानी आप किसी बड़े तालाब के किनारे एक छोटी सी कंकरी फेंक दें, आप देखेंगे कि उसका दायरा जो है वो उनकी उनको साहिलों तक जाता है। उस कंकरी का कोई वजूद नहीं है कि हमने एक बड़े तालाब में एक कंकरी फेंक दी, लेकिन आपने देखा होगा उसकी जो दायरे बनते हैं, झील में पत्थर मत फेंको, एक दायरा बन जाएगा, दूर तक देखते ही देखते उलझनों का सिलसिला बन जाएगा। ये उलझनों का सिलसिला है ये इनकी कहानियां, ये जो कंकड़ियां छोटी छोटी हैं, आप साहिल पे खड़े होकर के ऊपर में तलातुम को देख रही हैं, ज्वार भाटा देख रही हैं, लेकिन नीचे कितनी चीजें चल रही हैं वो नजर नहीं आता। ये कहानियां, अलग अलग कहानियां, इसी सोच और फिक्र उलझनों की कंकड़ियां हैं जो दायरा बनाती हैं, हमें मजबूर करती हैं कि आज इस पर क्यों गौर फिक्र होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी कहानियां हैं इसमें अलग अलग, आपने सही कहा भैरव बाबू ने भी, आपने भी कहा कि इस कहानियों के अंदर जो है ना वो दो तरह की चीजें हैं, एक है अंडर करंट, एक ऊपर से बाहरी तौर पे, और आपने देखा होगा कि नीचे नीचे जमीनें कटती रहती हैं, गहरी लहरें चलती रहती हैं। तो इन कहानियों में दो चीज है, ये एक वो है जो कहानीकार कहानी के रूप में लिख रहा है वो ऊपरी सतह पे चल रही है, लेकिन वो संवेदना, वो मानवीय मूल्य को स्थापित करने की जो है वो जेरी लहरें हर कहानी के नीचे चल रही है। जब आप शब्द शब्द मतन को आप पढ़ेंगे, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कहानियां देखने में तो बहुत आम लग रही हैं, लेकिन ये तो जीवंता है भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति को जीवंता करने के लिए। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, वो हमने जो ऐलान कर रखा है वसुधैव कुटुंबकम, वो जो उसको उसके ये है। मैं इसमें कहानियों में कई एक तरफ से विभाजी से क्षमा चाहते हुए इशारा करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें मैंने पहले ही कहा ना कि बहुत सारी चीजें मुसलमानों के ताल्लुक से गलत फहमियां भी हो गई हैं। जैसे उसमें एक बेमुद्दत कहानी है, और वो कहानी ये है कि हमारे यहाँ जो इद्दत का तसव्वुर है, वो इद्दत के तसव्वुर में उन्होंने लिखा कि वो 40 दिन तक अंधेरे कमरे में रहती हैं, कोई बच्चा देख लिया तो टूट जाएगा। ऐसा नहीं है, वो कभी नहीं है ऐसा। एक्चुअली ये है कि वो जो इद्दत है वो साइंटिफिक है, मेडिकल साइंटिफिक है। आप जो जो बायोलॉजी के टीचर हैं या शिक्षक हैं, छात्र हैं, उन्हें मालूम है कि 8 हफ्ते के बाद जो है वो बच्चे अपने स्वरूप लेते हैं माँ के कोख में। इस्लाम ने उसको आज से 1400 साल पहले ही कहा कि यदि किसी में संबंध विच्छेद होता है या उसके पति का देहांत हो जाता है और वो शादी करना चाहती है, क्योंकि इस्लाम ने पहली बार ये कहा कि हमारे यहाँ विधवा का कोई तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि प्रोफेट मोहम्मद ने जो अपनी पहली शादी की वो एक विधवा से की। वो इसलिए की कि उस वक्त भी उस समाज में ये प्रचलन नहीं था, हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, वहां भी नहीं था। तो उसमें ये वो शब्द जो है इद्दत का शब्द, वो ये है कि वो साबित हो जाए कि वो प्रेगनेंसी की कोई सूरत नहीं आ रही है महिलाओं में, इसलिए उसे मर्दों से अलग रहने के लिए ये बात कही जाती है, ना कि कोई बच्चा देख ले या घर के अंधेरे में रहना, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज की डेट में भी या पहले भी, बल्कि आपने कहानी रजिया सुल्तान को पढ़ा होगा, है ना, उसने जब याकूत से निकाह किया तो उसने भी कहा कि 40 दिन इसको इज्जत करनी होगी, अपने गुलाम से उसने निकाह किया तो उसको, लेकिन वो लड़ती रही। वो ऐसा नहीं है, हजरत महल ने, वो उसकी कनीज थी बाजू, आपको मालूम ही है उसकी वो दूसरी बेगम थी, लेकिन उनको भी वो जब वो चले गए वहां तो उसने एक दूसरे निकाह करना चाहा तो लोगों ने कहा कि इज्जत करनी होगी, उन्होंने कहा कि इज्जत कुछ नहीं है, मुझे तो लड़ना है अंग्रेजों से। बाजू वो चले गए शाहउद्दौला, वहां कलकत्ता जाकर के मौसकी सुन रहे थे। ये कहानियां हमें उस तरफ प्रेरित करती है। तो ये जो जो ये कहानी जो है बेमुद्दत, उसमें मैं समझता हूँ कि देखिए
कहानी क्या होती है, कहानी जब लिखता है फनकार तो वो रिसर्च उसके सामने कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे आलोचक उस पर रिसर्च करके बताते हैं ना। मतलब ये होता है कि कहानीकार जो होता है वो पहला अपने आलोचक होता है, कहानीकार से बड़ा आलोचक कुछ नहीं होता, वो खुद ही अपनी कहानियों को रीच की बच्चे की तरह बार बार पढ़ता है लिखता है। इसलिए एक बार मंटू ने बेदी से कहा था कि अरे सरदार जो है वो अच्छा मैकेनिक हो सकता है, कहानीकार नहीं सकता। तो बेदी ने कहा नहीं, बिल्कुल सही कहा कि हम कहानी में भी मैकेनिक का काम करते हैं। तो विभा जी ने भी ये मुस्लिम विवर्ष की कहानियों में मैकेनिक का काम किया है, है ना? एक, एक, एक थोड़ा सा इद्दत के संदर्भ में मैं बीच में टोकना चाहूंगी, एक छोटी सी मेरी जिज्ञासा यहाँ पर रहेगी कि जो आपने इसका साइंटिफिक तरीका बताया वो तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, लेकिन एक आम जन जो होता है, क्योंकि कोई भी एक नियम रीति रिवाज जब आगे बढ़ते रहता तो उसमें प्रक्षिप्त जैसे जुड़ते चले जाते हैं, उसमें बुराइयां जो है या यूं समझिए कि ना समझी के कारण कुछ ऐसी चीजें उसमें रूढ़ी परंपराएं जो होती है वो रूढ़ हो जाती है, हो सकता है वैसा कुछ इसमें रहा हो। नहीं नहीं, वो मैंने एक किताब ही लिखी इसी पे कि इस देश में सबसे बड़े जो हैं वो मुसलमानों के तरफ से कमियां रही कि वो इतने दिनों के बावजूद भी अपने जो समाज है उसको अपना सही चित्र, इसलिए कि इस्लाम जो है वो सिर्फ लिटरेचर नहीं है, वो कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर के साथ उसके साथ पेश आएंगे तो विभा जी जैसी कहानीकार हमारे लिए खड़ी होंगी, अगर हमारा कैरेक्टर नहीं होगा वो तो वो नहीं आ सकता। ये मुसलमानों की तरफ से भी कमियां हुई हैं, जो उसके ऑर्थोडॉक्स हैं, जो मौलाना है, जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं मजहब के नाम पे, वो लोग भी कमी कर रहे हैं। लेकिन सही स्पिरिट जो है इस्लाम का वो लिटरेचर अभी भी आम नहीं हुआ है, और उसमें कसूरवार आप नहीं है, वो हमारी कम्युनिटी है कि हम उस लिटरेचर को आप तक नहीं पहुंचा सके, कुरान को सही तौर पर आप तक हम नहीं पहुंचा सके, हदीस को हमने आप तक नहीं पहुंचा सके। तो वो जो आपने कहा ना कि बेमुद्दत की, वो सुनी बदलते परिवेश के साथ जहां जैसे हिंदुस्तान में आप देखे होंगे कि शादी ब्याह होती है हमारे यहाँ, अब हमारे यहाँ इस्लाम में साड़ी का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान में साड़ी लोग पहनती साड़ी पहनती हैं, हमारे यहाँ शादियों में रंग फेंकने का कोई रिवाज नहीं था, गाने नाचने का कोई शादियों में नहीं था, लेकिन आप देखिए मुसलमानों में आपसे ज्यादा बैंड बाजे बजते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस्लाम है, वो इस्लाम नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता है वो तो ये समझता है कि ये इस्लाम का हिस्सा है। अब हमारे यहाँ सिंदूर लगाने का रिवाज आम हो गया है, शादियों में भी लोग करने लगते हैं, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि वह प्रैक्टिकल में आ गया, जहां जहां परिवेश में रह रहे हैं वहां ये करते हैं। आप तो छोड़िए, विभा जी बहुत अच्छी बात कह रही थी, सब्जी बेचने वाले जिसे सब्जी फरोश कहते हैं हम लोग, इनके आज भी मिथिला में हजारों लोग छठ करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं। हाँ। और आपको जान के हैरत होगी कि वो उसी तरह करते हैं जैसे यहाँ के छठ व्रतियां करती हैं, वो पूरा वो कल्चर। अब जाहिर सी बात है कि वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि वो जहां जहां रहे जिस परिवेश में रहे उसने उसको प्रभावित किया। भैरव बाबू तो बैठे ही हुए हैं, डॉक्टर ताराचंद की दो भालों में किताब ही इस पे है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पे भारत संस्कृति के क्या असरात हुए और भारत की संस्कृति पे मुसलमानों के असरात हुए, खान पान सारी चीजें आप देखिए, है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन इन कहानियों में मैंने जो महसूस किया वो ये है कि लेखक ने उस समाज को पेंट करने की कोशिश की है जिसकी तस्वीर अभी तक सिर्फ और सिर्फ भयानक दिखाई जा रही थी। अगर भयानक है तो सही है, लेकिन जो उनकी अच्छाइयां हैं, जो उनके अंदर सुधार हो सकती है, वो भी उसी तरह है जैसे गालिब ने, देखिए गालिब ने एक शर्त लगा दी थी इस मुआसरे के लिए, इस समाज के लिए, बस के दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। आदमी तो सब है, गालिब ने आज से 200 साल पहले ये बात कह दी थी, है ना, बस के दुश्वार है हर काम का आशा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। ये आदमी को मैसर जो अभी तक नहीं हुआ इंसान होना, उसकी तलाश विभा जी ने इन कैरेक्टरों के जरिए की है कि इंसान का इंसान होना कितना मुश्किल है। ये गालिब की जबान में मैं बता रहा हूं आपको, वो तमाम कैरेक्टर उसके यह है इन कहानियों में। देखिए कई कहानियां है, कठपुतली है,
या वो आपने देखा होगा औरतें हैं, फिर उसके देखिए वो सबिया लौटेगी खान साहब, ये तमाम चीजें सीरीज है कहानियों की, जिसके अंदर आप वो जब आप कहानियां पढ़ते हैं तो लगता ये है कि टॉप एंड टाइड ऊपर नीचे ज्वार भाटे की तरह से वो चीजें आ रही हैं, और नतीजा परिणाम जब आता है तो आप सोचते हैं कि नहीं, आपको एक अंदर से ये बात आती है कि ये पात्र जो है वो वाकई इसके तरह हमदर्दी का पात्र है, ये बदलाव चाहता है, इनकलाब चाहता है, तब्दीली चाहता है। ये जो परिवेश बनाया इन्होंने कहानियों में, एक बहुत अच्छी बात है कि ये उर्दू कहानियां भी इन तरह की चीजों से दूर होती जा रही हैं। उर्दू कहानियों में भी देखिए, मैंने पहले कहा कि उर्दू में कमी नहीं है, अब हाजी रुसवा ने उमराव जान जब लिखा तो वो भी एक विमर्शी था ना, पूरा का पूरा नॉवल जिसपे आपने फिल्म के तौर पर देखा, उससे पहले हमारे यहाँ राशिदुल खैरी ने पूरी की पूरी दास्तान, पूरी कहानी उन्हीं पे लिखी। आपने हमारा जिक्र किया वो उर्दू का वो पहला उपन्यास है डिप्टी नजीर अहमद का मिरतुल उरूस, यानी दुल्हन का आईना, जिसका मैंने साहित्य गरिमी ने छापा है उसे, जिसका मैंने तर्जुमा किया था कन्याक आईना, है ना, वो भी उसी विमर्श पे है कि अकबरी और उसके जो दो कैरेक्टर हैं, अकबरी है ना और अस्करी, अकबर बड़ा छोटा दो बहने हैं, उनकी कैरेक्टर को पूरा वो विमर्श दिया है कि शिक्षा का अभाव क्यों है और शिक्षा के न होने से मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकता है। तरह तरह की कहानियों के साथ उर्दू में होते रहे हैं और हिंदी में भी लिखे गए, लेकिन मैंने जैसा कहा कि उन परिवेश की कहानियां हिंदी में नहीं लिखी गई जिन परिवेश की कैरेक्टर को बीभा जी ने जीवंता दी है, जिंदगी दी है, और वो किरदार हर जगह एक कारी को जो पढ़ता है उसके सामने खड़ा होकर के ये बताता है कि आपकी तरह मैं भी मिसाली हूँ। ये मिसाली कहानियां बीभा जी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये कहानियां उनके लिए सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि मैंने सोचा है कि मैंने अभी एक मेरे एक स्टूडेंट है, मैंने कहा इसे तुम उर्दू में ट्रांसलेट कर दो और बीभा जी से तुम परमिशन लेकर के इसको छाप दो, ताकि ये पता चले कि उसमें भी दूसरी बात, इसलिए कि हिंदी मैथिली इलाकाई भाषाओं के अलावा उर्दू का भी एक बड़ा संसार है, फिर अंग्रेजी उसकी जो बड़े संसार है जहाँ पहुंचते हैं, तो इस तरह की कहानियां जब नए विमर्श के साथ आती है उनको दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं अनुवाद का, और मैं तो दरभंगा में भी कई बार भैरव बाबू के साथ कई बात हुई तो मैंने कहा है कि अनुवाद का काम ज्यादा अधिक से अधिक होना चाहिए, जो खास करके जो इलाकाई जबाने हैं भारतीय महाद्वीप में, इतनी बात है कि हम बहुत समृद्ध हैं, हमारे यहाँ इतनी भाषाएं बोली जाती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं 10-12 भाषाओं पे लिख पढ़ लेता हूँ, सीखने की ललक रही है स्टूडेंट लाइफ से, लेकिन इतनी विभिन्नता और इतनी रिच है। आप मलयालम की कहानियां पढ़िए, बंगाली की भी कहानी पढ़िए, आप गुजराती की पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या लिख रहे हैं और वहाँ क्या लिखा जा रहा है ना। मराठी का तो खुद बम्बे में रहती है, तर्जुमा बहुत हो रहा है उर्दू में, ये सब चीजें आनी चाहिए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, और वो जो मैंने बेमुद्दत की बात की वो सिर्फ इसलिए की ये बीभा जी भी उसी परिवेश में जो देखा उन्होंने सुना, जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपनी जो उनकी ताऊ थी माने सास थी उनकी, उनसे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने सुनी, तो उन्होंने जो सुना और ये सारी चीजें हैं अच्छा, तो वो है इसलिए। हाँ जी, कहानी में सर, उस कहानी में अंत में जो मैं बात कह रही थी, जो सास है वो अपनी बहू से कहती है कि तू इद्दत का विरोध करना, और उसका ये कहना यानी कि वो ये मान के चल रही है कि बेटा पहले मरेगा, तो ये कितना बड़ा मतलब बड़ी बात रखना है कि जो बुराइयां हैं तमाम हमारी परंपराओं में जो रूढ़ हो गई हैं, ये उसको आपके सामने रख रही है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भैरव जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं उनके हौसले की दाद देता हूँ, है ना, वैसे भी मैंने पढ़ा उनको जितना कुछ, अभी कुछ चीजें सामने आई तो मुझे लगा कि नहीं वाकई, और यही बात है कि इतना विल पावर है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो एक मुझी मर्ज से बाहर आई हैं, ये भी मैंने पढ़ा उनके बारे में, तो अल्लाह उन्हें सेहत रखे। और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन आज इस आपके माध्यम से उनसे मुलाकात हो रही है, तो आपके तई भी झाड़े तशक्कुर पेश करता हूँ, है ना, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे उनसे मिलाया इस प्लेटफॉर्म पर, और कहानियां उनकी जिंदा रहेगी इसलिए कि उन्होंने जिंदा दिली से कहानी लिखी है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। भैरव जी, आप इनकी कहानियों के कुछ उदाहरण देकर
अपने अनुभव पढ़ते हुए जो आए वो थोड़ा सा हमें बताइए। मैं तो बस बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेरे हाथ में एक किताब है, उसे मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ। ये चांद का स्त्री शिक्षा संकलन है, आपने जरूर इसे पढ़ा होगा। और मैं इस परिप्रेक्ष्य में इनकी किताबों को मैं देख रहा था, इनकी कहानियों को मैं पढ़ रहा था, जो ये जो विमर्श की शुरुआत हुई है स्त्रियों के लिए विमर्श की, वो कैसे कैसे यहाँ पर में आगे बढ़ते गए हैं पूरे भारत में। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं परत दर परत उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं जो अभी मुश्ताक साहब कह रहे थे, मैं बड़े ही उनकी बात को गंभीरता से सुन रहा था और इसकी मैं समर्थक भी हूँ। जैसे उर्दू में जितने दस्तावेज हैं, जितनी कहानियां, उपन्यास या साहित्य हैं, हम उसको नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उर्दू जो किसी जमाने में एक पूरे समुदाय की चीज थी, सारे हिंदू उर्दू पढ़ते थे, सारे कास्ट उर्दू पढ़ते थे, अब वो उर्दू को कैसे न कैसे किसी न किसी तरीके से रख दिया जो ये मुसलमानों की भाषा है। अब सबसे चिंता की बात है, जो मुसलमानों ने उर्दू पढ़ना या तो छोड़ दिया या कम कर दिया। पटना शहर में पर्शियन जानने वालों की संख्या शायद उंगली पर गिनी हुई है। तो एक तरफ हिंदुओं ने छोड़ दिया, दूसरी तरफ मुसलमानों ने छोड़ दिया, कारण जो हो। अब वो उर्दू किसकी भाषा है ये हम टटोलते हैं पूरे समाज में। और यदि उर्दू में अच्छी चीजें, अच्छे अच्छी साहित्य का अनुवाद, जैसा कि अभी कह रहे थे मुश्ताक साहब, वो हिंदी में होता, मैथिली में होता या अन्य क्षेत्रीय भाषा में होता, तो एक दूसरे को जानने की हमें और आसान रास्ता हम ढूंढ पाते। अभी क्या है, जो अब हम कहीं ना कहीं एक जो शक शुभ या विमर्श में जितनी चीजों आप रख लीजिए हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा हमें उदारता पूर्वक सोचने की भी जरूरत है। आप देख लीजिए, जहां हिंदू नहीं है क्या वहां सारी चीजें अच्छी हैं? जहां मुसलमान नहीं है क्या वहां सारी चीजें अच्छी हैं? वहां भी तो विमर्श की जरूरत है। तो क्यों नहीं हम इस चीज को अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ लेकर के चलें, जो भाई वो मुसलमान बाद में है, इंसान पहले है, जिसकी की चिंता हम लोगों ने शुरू में किया था। चलिए हम लौटते हैं कहानी पर। मैं सबसे पहले कहानी जो इस संग्रह का है, ये दो साल, शौकत साहब, सिन्हा साहब उसके हीरो हैं, और उसमें हम कहीं से भी मुस्लिम विमर्श को नहीं खोज पाते हैं। वो तो एक बेरोजगारी की बात है, दो साल सर्विस बढ़ा दी गई है और इसका ये लोग विरोध करके अपना त्याग पद देते हैं। उसमें एक कैरेक्टर मुस्लिम है, एक कैरेक्टर हिंदू है। तो ये तो एक यूथ की बात है, जो यूथ हमारे बेरोजगार बसे हुए हैं समाज में, हम उसको कैसे मेनस्ट्रीमिंग करें, अपनी बातें, अपनी सर्विस छोड़ करके हम यूथ को दें, तो वो एक तरफ चिंता है। लौटेगी सभी, अभी मुश्ताक साहब कह रहे थे, बहुत ही सकारात्मक चीज है, वो जान बचाने के लिए भले ही वो उसके माथे पे बिंदी साट दी जाए, सिंदूर कर दी जाए, शहर में दंगे हो रहे हैं, एक घर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो ट्रेन में जा रही है, लेकिन फिर से वो बॉम्बे लौटने की कोशिश करती है। बड़े बड़े ही एक साहसीपूर्ण कदम है, इस कहानी के माध्यम से एक मैसेज दी जा रही है, जो नकारात्मकता बहुत दिन नहीं रुकेगी, सकारात्मकता आएगी, सभी यहाँ लौटेगी, और जब सभी यहाँ लौटेगी तो सभी यहाँ के साथ इंसानियत लौटेगी, शहर में सारे चीज सामान्य ढंग से होंगे। अब खान साहब को हम लेते हैं, खान साहब जैसे ही कहानी में एंट्री करते हैं, तो कहानी में एंट्री करते ही वो मुसलमान के रूप में भी एक दिखते हैं, जो कि उसका जो चन्नर है वो उसको पहचानता है। लेकिन खान साहब की जब कहानी का अंत होता है तो बड़े ही पीस के साथ होता है, बड़े ही सुंदर ढंग से होता है। जो वो सुलक्षणा के जो माँ होती है, वो खान साहब की पत्नी को अपने घर में बुलाती है, जो चलिए आप खुद से बना दीजिए। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो एक विशालता है लोगों में, वो खान साहब ने एक कैरेक्टर के द्वारा, उनकी पत्नी ने एक कितनी बड़ी समाज को जीतने का प्रयास किया है, उसमें उन्होंने कहीं भी मुस्लिम मुस्लिम या मुसलमानों की बात नहीं है उसमें, वहां पर में जो बात है वो बात है जो आप कैसे जीत समाज को जीतते हैं। आतिश दाने की यदि जरीना को हम देखेंगे तो उसने तो जी लिया है, उसने तो अपनी जिंदगी जी ली है, और जरीना के हाथ में यदि हम एक अपनी, जिसको कहते हैं जो एक अपनी पताखा को दे दें, तो जरीना एक साथ कई चीजों, कई विकेट को डाउन करते हुए वो फील्ड को
जीत के जाती है। जरीना पर तो अलग से काम करने की जरूरत है उस कैरेक्टर पर में। यदि हम गुप्ता साहब को देखते हैं जो रोल में परवीन कहानी है, गुप्ता साहब काइया आदमी है और ऐसे काइया आदमी न हिंदू को छोड़ता है न मुसलमान को छोड़ता है, न हिंदू लड़की को छोड़ता है न मुसलमान लड़की को छोड़ता है। तो विमर्श आप मुसलमान के नाम पर भले ही कर लें लेकिन उसमें न हिंदू छूटते हैं न ईसाई छूटती है। सईद साहब के कहानी में बहुत ही दर्द है लेकिन जो कि इनके लेखनी की कमाल है, जो जब वो अंत करती हैं कहानी में तो लोग जोर से सांस छोड़ते हैं जो नहीं ये अच्छा ही हो रहा है, अदरवाइज हो रहा था जो सईद साहब को घर मिल जाए घर मिल जाए घर मिल जाए। लेकिन जब वो सईद साहब को घर मिलता है तो घर के साथ आदमी भी मिलती है, समाज की सकारात्मकता भी मिलती है। वो डिफेंस का पर्सनल एक लाइन में सईद साहब की सारी सारी कठिनाइयों को, उनकी सारी थकान को मिटा देता है, तो ये इनके लेखने की कमाल है। लेकिन हम सिर्फ और दो कैरेक्टर की बात करेंगे फिर हम आपके पास रक्षा जी आएंगे। जो नबीला जो है वो घुटन में है और नबीला के साथ इस देश का मुसलमान घुटन में है। जो चीज जो पाप उसने नहीं किया, जो 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 कर्म उसने नहीं किया, आप उस कर्म के दोषी उस व्यक्ति को मान रहे हैं, इससे बड़ा अपराध किसी एक सभ्य समाज में कोई भी नहीं हो सकता है। मैं नहीं कहता हूं जो आप दोषी को छोड़ दीजिए, बिल्कुल दोषी को आप दोष दीजिए, लेकिन जो निर्दोष है उसको आप दोषी ठहरा रहे हैं तो ये आपके अंदर की दोष बाहर आ रही है, न कि उस नबीला के अंदर की दोष की बाहर आ रही है। और नसीबा की कहानी में जैसा मैंने कहा, जो हमारे यहाँ एक मिथिला में कबड्डी होती है और कबड्डी में छू करके लोग चले आते हैं, तो ये तो विभा रानी का ही लेखनी की कमाल है जो नसीबा की एक कैरेक्टर बनाती हैं वो अपनी कहानी में। और नसीबा ना सिर्फ एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि नसीबा कई कई वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। कोई नसीबा में हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, वो एक समाज की कैरेक्टर है। और वो समाज, अभी हमारे हमारे एक परिचित लड़की थी, उस लड़की को बैंगलोर का एक आईएएस लड़का से शादी होने वाला था, उस लड़की ने आगे जाकर ये कह दिया जो मैं आईएएस लड़का से शादी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगी भाई, तो मेरी क्या आइडेंटिटी रह जाएगी, उसके फॉल्स ईगो के साथ घूमो, उसके सिक्योरिटी के साथ घूमो, उसके गाड़ी पर घूमो और मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं रह जाएगी। उसने रिजेक्ट कर दिया उस आईएएस के शादी के साथ। हमारे यहाँ ये सुनने में पहली बार मुझे आया जो किसी एक आईएएस लड़का को भी कोई एक लड़की रिजेक्ट कर सकती है। तो ये नसीबा जो है वो उसी रिजेक्शन के कगार पर आके खड़ी हो जाती है। तो यदि उसका आईपीएस ऑफिसर उसका हस्बैंड है लेकिन फिर भी वो वही करना चाहती है जो खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए हो, और ये एक हिंदू और मुसलमान से कुछ संबंध नहीं रखता है, ये एक कैरेक्टर संबंध रखता है। और यही मैंने कहा जो कुछ कहानियां मुस्लिम समाज के बहुत ही भीतर जाकर रची बसी हैं, कुछ कहानियां मुस्लिम समाज, आप उस भले ही कैरेक्टर में नाम मुस्लिम का हो लेकिन वो हिंदू का भी उतना ही कहानी है जो मुसलमान का है। तो एक तरह से ना सिर्फ दिल जीतती है विभा रानी बल्कि उनकी लेखनी ने इस समाज को भी जीतने की कोशिश की है। और ठीक ही कहा मुश्ताक साहब ने, जो उनकी कहानी का ट्रांसलेट होना चाहिए, उनकी कहानी को लोगों के और कई कई भाषाओं में जानी चाहिए, और मुश्ताक साहब ने तो ऑफर भी कर दिया जो उनकी कहानी का ट्रांसलेट होने का। और हम लोग भी चाहते हैं जो वो विभा रानी जी थोड़ा थोड़ा, वो हालांकि आपने परिचय में कह दिया जो वो बहुमुखी प्रतिभाशाली हैं, तो बहुमुखी प्रतिभाशाली को यदि आप किसी एक विधा में थोड़ा कम करेंगी तो फिर वही नसीबा वाली बात हो जाएगी। इसीलिए वो सभी विधाओं में काम करती रहें लेकिन कहानी में तो उनका जोर नहीं है। कहानी में तो वो एक एक सेंटेंस में उनके जो अनुकरण होते हैं, वो जो चीजों को बताने की कोशिश करती है, ऐसे लगता है जो उन्होंने एक नहीं चार जिंदगी जी ली हो और चार जिंदगी का अनुभव उसने अपने कलम को रख लिया। बहुत शानदार, सही में बिल्कुल ठीक है। मैं उनकी कहानी के कुछ संवाद देख रही थी अभी, बेवजह कहानी जब वे लिखती हैं तो दो अलग अलग मित्र हैं, मित्र तो नहीं है, रास्ते में मित्र बन गए हैं, और कहानी शुरू करने से पहले ही वो बता देती हैं कि कल्पना की उड़ान पर आप तो हकीकत के दंगे फोड़ देंगे, तो कहानी पढ़ते हुए अपना आपा ना खो बैठे, क्योंकि कहानी काल्पनिक है। अंत वो ऐसे करती है कि कहानी काल्पनिक है लेकिन दंगा सचमुच हो गया। तो कहीं ना कहीं जो विभाजन के बाद से जो स्थितियां
पद से बदतर होती चली जा रही हैं। धर्म के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, जो समय के साथ साथ विभाजन की जो रेखा वो गहराती चली गई, और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक और अलगाववादी जो ताकतें थी उन्होंने हमारे विकास को दंगों की आग में झोंक दिया, जिसको हम लौटे की सबीहा में देखते हैं, इसी देश के इसी शहर में या रोल में परवीना में देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि दिलों में विभाजन हो चुके हैं, लेकिन विभा रानी की कहानियों का अंत, अब मैं ये नहीं कह रही कि भाई वो आदर्शवादी अंत दे रही हैं, उन्होंने सचमुच इस तरह के पात्र हमारे जीवन में देखे होंगे, जैसा कि वे कह रही हैं कि ये सब मेरे जीवन से जुड़े हैं। तो यानी हमें वो एक आईना दिखा रही हैं। अभी मैं उस बात पर आऊंगी कि जो आपने लिखा कि मुस्लिम विमर्श की कहानियां, वहां यहाँ पर जब आप कहानियां पढ़ते हैं तब आपको समझ आता है कि कहां किन मुख्य बिंदुओं पर क्यों हमको जरूरत पड़ जाती है कि हाँ इन पर हम नए सिरे से सोचें और समझें। क्यों नबीला को कहना पड़ता है कि मैं क्यों दिखूं उनकी औरतों जैसी, क्योंकि उसको ये सिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि तुम हिजाब पहनती हो तो दूर से पहचान ली जाती हो, तो वो कहती है कि मैं क्यों उनके दूसरों के, मेरी अपनी सांस्कृतिक एक पहचान है, जैसे कि हम हिंदुओं की एक सांस्कृतिक पहचान है साड़ी, तो उनकी भी पहचान है। तो ये ऐसे ऐसे चीजें हैं आपको इन कहानियों में मिलेंगी, जो पढ़ते हुए कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जैसे आपने भी कहा कि वो कहीं हिंदू और मुसलमान वाला, सिर्फ क्योंकि हमारे पास एक नाम होता है, हमारे पास एक टाइटल होता है, क्योंकि इसलिए वो हिंदू मुसलमान है, अन्यथा मुझे भी यही लगा कि ये मानवीय सरोकारों की कहानी है, जितना कि हमें एक हिंदू के तौर पर या एक मुस्लिम के तौर पर, बल्कि एक मानवीयता के तौर पर, मानव के तौर पर हमें इन किरदारों को पढ़ना और समझना पड़ेगा, तब जाके मुझे लगता है कि मुस्लिम विमर्श अपने आप में एक सार्थक होगा। क्योंकि ये कहानियां जो है या आज के समय में जब हम देखते हैं तो मुस्लिम समाज जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं धीरे धीरे किस तरह से हाशिए पर जा रहा है, संभवतः ये एक विषय है जो मुस्लिम विमर्श के अंतर्गत हम उसको ले सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे नबीला की कहानी पर ही मैं वापस आ रही हूँ कि क्यों भारतीय मुसलमान को बार बार साबित करना पड़ता है कि वो इसी मिट्टी का है, इसी देश का है, वो देशद्रोही नहीं है, है ना। और जिसमें नबीला प्रश्न करती है कि दादा क्यों नहीं पाकिस्तान चले गए, तो ये एक बड़ा मैंने एक बड़ा ही एक बच्ची का जो पढ़ना चाहती है, जो आगे आना चाहती है, लेकिन वो कितने संघर्षों से आगे बढ़ रही है, क्यों आज मुस्लिम समाज जो है एक अलग ढंग से एक अपनी पहचान, जिसे हम अस्मिता मूलक विमर्श के अंतर्गत देते हैं, अपनी पहचान के संकट से जूझ रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि अंत में अगर आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहें विभा रानी जी और सर मुश्ताक सर जी, क्योंकि इस पे हम जब बात करने बैठेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारे हमारे ऐसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम साहित्यकार हैं, जिसमें शानी है, बदी उज़्मा है, राही मासूम रजा, मंजूर एहतशाम, असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्ला, नासिरा शर्मा, मेहरू निसा, प्रियम बदा, गीतांजलि श्री, तो ये सभी नाम ऐसे हैं, इन्हीं नामों की श्रृंखला में अगर हम ये कहें, हो सकता है कुछ नाम छूट रहे हूँ, माफ कीजिएगा, तो विभा रानी का जो आतिश दाने है वो उसे हम एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम जोड़ सकते हैं। तो आप अंत में मुश्ताक सर आप कुछ कहना चाहें हमारी इस चर्चा के विषय में और कुछ पूरा। विभा जी सॉरी, पहले मैंने विभा जी से ही बोलना था, विभा जी पहले बात करेंगे फिर सर आप बताइएगा, सॉरी। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि नाम मुसलमान या करेक्टर मुसलमान होने से ऐसा नहीं है कि उसकी जगह अगर हम सबीहा की जगह सविता कर दें तो एक ही जैसी कहानी हो जाएगी, नहीं होती है। मैं हमेशा रीड बिटवीन द लाइंस वाली कहानियां या कह लें कि मनोविज्ञान के थ्रू डील करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए उन कहानियों को या मेरी कहानियों को या नाटक को या उपन्यास को एक बार दो बार या उनके बीच क्या कहा जा रहा है उसको पढ़े जाने की जरूरत होती है। क्योंकि हमारी अगर मैं स्त्रियों की ही बात करूं तो औरतों की हमारे आप सब मुश्ताक साहब भी जानते हैं, भैरव जी भी जानते हैं कि हम लोग मिथिला में हैं, बिहार में हैं, वहाँ कास्टिज्म कितने भयानक रूप में होता है। हमारी मिथिला में सवर्ण और अवर्ण की तो इतनी इतनी गहरी खाई है कि उसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती है।
तो एक ब्राह्मण महिला जो है, एक ब्राह्मण स्त्री है, उनकी समस्या को एक सवर एक एक दलित स्त्री की समस्या के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। एक धनी महिला की समस्या उनकी समस्या, मैं ये नहीं कहती कि उनकी समस्या नहीं है, उनकी भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन उनकी समस्या को एक सब्जी बेचने वाले की या एक दूध बेचने वाले की समस्या से नहीं जोड़ा जा सकता है। स्त्रियां दोनों हैं, समाज वही है, प्रदेश वही है, परिवेश वही है, लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों अलग अलग इकाई हैं और अपने उनका समय काल पात्र परिस्थिति सब दोनों के अलग हैं, तो दोनों की जिंदगी अलग है। उसी तरीके से मैं खास तौर से चूंकि मुश्ताक साहब ने इस कहानी का जिक्र किया है तो मैं उस और खास तौर से बेमुद्दत, तो बेमुद्दत और बेवजह ये दो कहानियां मैं आज आपको बताऊं कि इन दोनों कहानियों को लिखते हुए मैं बहुत ही सारे अंतर्द्वंद से जूझी हूं। और ये मेरी सास की कहानियां नहीं है, ये भी मैं बता दूं। मैंने ये देखा कि मुंबई जैसी जगह में जहां हम मानते हैं कि प्रोग्रेसिव और आधुनिकता और प्रगतिशीलता चरम पर है, वहां अगर बेमुद्दत जैसी घटना घटती है तो हमें सोचना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों होता है। हम अज्ञानता के, वो अज्ञानता हिंदुओं में भी होती है, वो अज्ञानता मुसलमानों में होती है, और इन्होंने कहा कि हमने वो अज्ञानता और वो उसको जो एक मूढ़मति है जो हमारे यहाँ पंडित और वो मुल्ले दोनों करते रहते हैं वो यहाँ। अब इसमें जो मोहम्मद साहब ने जो विज्ञान देखा है और जो तार्किकता दी है वो तमाम तार्किकता अपनी जगह सही है With all due respect, लेकिन उसके ऊपर समाज ने जो थोप दिया है यहाँ उसका जिक्र है। अगर इद्दत दूसरी सबसे पहली बात तो ये कि जो मुश्ताक साहब कह रहे हैं वो 40 दिन के इद्दत की बात नहीं है, ये 4 महीने 10 दिन के इद्दत की बात है जो शिया और सुन्नी में नहीं होती है, जो बोरी मुस्लिम में होती है। और ये बोरी मुस्लिम में जब होती है तो नंबर वन कि वो 40 दिन नहीं है, उनकी स्थिति उनकी और भी ज्यादा है। शिया सुन्नी में जो महिलाएं हैं जो इद्दत पर हैं उनको इस बात की इजाजत है कि वो बुरका डाल करके या बुरका बिल्कुल ऐसे ना भी करें लेकिन एक बुरका पहन करके बच्चे को लेकर स्कूल भी जा सकती हैं, बाजार भी जा सकती हैं, सब कर सकती हैं। लेकिन बोरी मुस्लिम औरतों को उस काले दरवाजे उस काले पर्दे के अंदर रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और ये हकीकत है। और ये हकीकत इस कहानी को लिखने के पहले मैंने उसको दिखाया उस समाज से, हमने कहा कि एक बार आप देख कहीं मैं उस समाज से नहीं आती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत लिख दूं, और गलत लिख दूं तो मैं उस पछतावे से जिंदगी भर नहीं उबर पाऊंगी, तो ये हकीकत है। दूसरी बात, जो जिस वैज्ञानिकता की बात प्रॉफिट साहब कह गए हैं उस वैज्ञानिकता को ही मैंने इस कहानी में लाकर लाने की कोशिश की अलग अलग चरित्रों के माध्यम से कि 70 साल की महिला कहां से प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वहां तो इद्दत नहीं होना चाहिए। वो एक औरत जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और उस समय वो पीरियड से है तो वो कहां से प्रेग्नेंट हो जाएगी, इस चीज को समाज को समझना चाहिए। वो औरत जो लेबर पेन में है और हॉस्पिटल जा रही है डिलीवरी के लिए वो कैसे करें? वो औरत कहां से प्रेग्नेंट हो जाएगी? तो ये सब चीजें, ये समाज के ये जो कुछ चंद उदाहरण और जो चंद उदाहरण मुझे मिले और उनको इस कहानी में मैंने लेने की कोशिश की तो मैं भी इसी वैज्ञानिकता पर आकर के मैं ठिठकती हूँ और मैं रुकती हूँ कि हमारा चाहे वो हिंदू धर्म हो या इस्लाम हो दोनों अपनी अपनी सोच में बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं। प्रॉफिट साहब भी उतने ही प्रोग्रेसिव है और हमारी माइथोलॉजी भी उतनी ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन बीच में आकर के जो पोंगा पंडितों और कठमुल्लों ने जो उसको घाल मिल किया है और सारी चीजें सारी सजाएं जो मुकर्रर कर दी हैं औरतों के लिए, इस पर ये कहानी वहां पर वो बेस है। इसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठाई गई है कि हम इद्दत पर हम सवाल करें। हम इद्दत पर सवाल इसलिए कर रहे हैं कि एक औरत, एक तो वो अपने हस्बैंड के जाने के गम से किसी भी औरत से पूछें, हम सबके घर में इस तरह की स्थितियां आती हैं, वो महिला वो स्त्री कितने बड़े डिप्रेशन से जूझती है, सालों साल उससे नहीं उबर पाती है एक सामान्य स्थिति में भी, वहां उनको हम इद्दत पे बिठाते हैं और वो भी इस तरह के इद्दत पे बिठाते हैं कि एक छोटा बच्चा वो भी उसको भी उन्होंने देख लिया तो वो दोबारा इद्दत है, और 4 महीने 9 दिन के बाद अगर ये घटना घट जाए तो फिर से 4 महीने 10 दिन उसको रखना है। इस अमानवीयता के खिलाफ उनका समाज भी त्रस्त है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो भी बोल रहे हैं, लेकिन वही है कि हु विल बिल द कैट,
कि उन मुल्लों के सामने कौन जा करके कितने असगर अली इंजीनियर तक जब इस बात पर इस चीज पर नहीं अपना मुंह खोल सके तो बाकियों की तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन कैसा तो आए। और उस औरत का देखिए जिगरा कि वो औरत अपने बेटे की बलि दे रही है, कह रही कि जिस दिन कभी अगर खुदा ना करे कि ऐसी नौबत आए, लेकिन मालूम है कि एक शादी में एक जो एज का डिफरेंस होता है तो पहले अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो कुछ भी है लेकिन हस्बैंड पहले जाता है वाइफ बाद में जाती है, तो वो वही कहती है कि हो सकता है लेकिन तू लड़ना क्योंकि तू लड़ेगी तो पीछे से लोगों को बल मिलेगा। तो ये उस आशा और उम्मीद की कहानी है। मैंने कभी और इस पे जो है किसी भी तरह की उंगली उठाने के और इद्दत के तरीके पे नहीं और इद्दत के उस पे नहीं है। हाँ अगर तलाक के बाद है या हस्बैंड के डेथ के बाद बात की बात है और अगर वो ये सब सारे कारण नहीं है, ये सब सारे साइंटिफिक या बायोलॉजिकल रीजन नहीं है तो बेशक आप उनको दीजिए ना, लेकिन आजादी तो दीजिए। वो ये तो कहिए कि जैसे जैसे अगर ये शिया सुन्नी की औरतें अगर वो झोला लेकर के वो बुर्का पहन के बाजार निकल सकती हैं तो वो भी तो निकल सकती हैं, अपने अगर काम कर रही हो तो दफ्तर तो जा सकती हैं। गोरी मुस्लिम सबसे ज्यादा धनी सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव समाज है मुस्लिम कम्युनिटी में और वहां पे औरतों का मामला है इसलिए वहां सब साइलेंस है, इसलिए कहानी लिखी गई। और दूसरी बात ये जो बेवजह की कहानी भी वो उसी तरीके लिखी गई कि हम हकीकत पर नहीं जाते हैं। कौवा कान लेके भागा तो हम कौवे को देखते हैं अपना कान नहीं टटोलते हैं, तो इसी चीज पर कहानियां लिखने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत मैंने बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद मैंने इसके कई लोगों कई मुस्लिमों मुस्लिम लेखकों को दिखाया, सबने सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन हरिभट्ट नागर जो उस समय हस्ताक्षर के संपादक थे, मैं एक सेकेंड आधा सेकेंड आपका लूंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कहानी को छापूंगा और फिर उन्होंने उस कहानी को छापा था। थैंक यू। बिल्कुल, तो इसी संदर्भ में जो आपके स्त्री विमर्श वाला जो पार्ट आ जाता है ना मुस्लिम समाज के स्त्रियां, तो आपसे मैं वादा करती हूँ कि आतिश दाने जो कहानी है उस पर अलग से हम लोग बात करेंगे क्योंकि उस पर बहुत अलग से विमर्श हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि धैरव जी ने भी कहा जो बातें कहनी थी वो मैं कह गया ही, वो सभी परिप्रेक्ष्य में जो देखिये आतिश दाने की कहानियां मैंने पहले ही कहा कि जब वो कहानी कामयाब होती है जिस कहानी के पढ़ने के बाद उसका जो कारी है वो किरत करता है यानी पाठक है, तो उसको पढ़ने के बाद वो थोड़ी देर ये समझ ठहर जाए कि आखिर इसमें लिखा क्या गया है और उसके मन में जो कहानी के शुरुआत से पढ़ते हुए अंत तक जितने तरह के सवालात उठे थे वो वहां आकर के सॉल्व हो जाए या फिर उसकी तलाश में वो आगे बढ़ जाए। आतिश दाने की कहानियां अपने अंत के बाद कारी को ये सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, यही इस कहानी की जान है और इसीलिए मैं उन्हें बधाई देता। और वो तो मैंने बेमुद्दत की मैंने कोई नहीं कहा, मैंने कहा कि कुछ ये जो भ्रांतियां हैं वो कहानियों के अंदर भी आ गई। धन्यवाद। बिल्कुल सर, नैरव जी बिल्कुल ही वो मुश्ताक साहब ने इसे स्पष्ट किया है और बिल्कुल ही सही कहा उन्होंने, जो जटिल भ्रांतियां हैं। हालांकि विभा रानी जी की बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा, मैं कहने के लिए मैं साहस बटोर रहा हूं, तो ये भ्रांतियां शायद मुश्ताक साहब को भी है क्योंकि हो सकता है वो बोरी मुस्लिम के बारे में उतनी नहीं जानकारी रखते हो। अब बंबई में बोरी मुस्लिम के कल्चर क्या है हो सकता है मुश्ताक साहब को नहीं पता हो। और ये ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है, बोरे मुस्लिम हमारे जो मुस्लिम समाज है पूरी दुनिया में उसमें बोरा मुस्लिम के दो दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को अलग करती हैं, जैसे उनके यहाँ औरतों का भी खतना है। आपने दुनिया के तमाम मुसलमानों में मर्द माने बच्चों का खतना सुना होगा है ना, लेकिन उनके यहाँ औरतों का भी खतना है।
हिंदुस्तान में भी मैं बता रहा हूँ, खुद पटना में है भैरव जी, आप जब जाएंगे स्टेशन के सामने तो वहां पे उनकी एक मस्जिद भी है, वहां पे 10-12 घर है उनके, अब वो बहुत पुराने लोग हैं, वो आजादी से जी मैं जानता हूँ। और मैंने चलिए ठीक है, होता क्या है कि हमारे यहाँ भी जो है ना वो 72 फिरके हैं, है ना, और वो अलग अलग चार इमाम हैं, चारों इमाम के अलग अलग तरीके हैं, उनकी जिंदगी जीने के अलग तरीके हैं, तो वो तो आएंगी, वो डिफरेंसेस होंगे। पर एक मैंने पहले ही कहा कि ये कहानियां मुझे सोचने पर क्यों का सवाल उठाती है, इसलिए वो कामयाब है। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, और यही विभा जी की ये विशेषता भी है। और जैसा मैं फिर उसे दोहराता हूँ, जो कबड्डी के खेल में वो वहां जा करके छू के आ जाती हैं और हमें भी बस कर देती हैं सोचने के लिए। और वो अब तो बोहरा मुस्लिम के जितने भी कल्चर हैं, मैं उस पर जितनी भी किताबें हैं मैं उसे मंगा के पढ़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे अंदर एक कौतूहल पैदा कर दिया जो भाई ये क्या है। ठीक है, उन्होंने इशारा किया जो मुस्लिम में ये होता है, नहीं होना चाहिए, वो कहानी का विषय है, लेकिन मेरे लिए उनकी संस्कृति को विस्तार से अध्ययन करना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बधाई देता हूँ और विभा रानी जी कहानी में इसी तरह गूंजते रहें, जूझते रहें, और एक बेटर समाज की, चाहे हम कहानी लिखें कि उपन्यास लिखें, हम किसी को दोषी देने के बजाय उस दोष को दूर करने के लिए, चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुसलमान में हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग में हो, मैं तो कई भाषणों में मैंने ऐसा कहा, जो पूरा जो ये मुस्लिम जगत है जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, वहां ऐसी कोई कंट्रीज नहीं है जहां पर हिंदू बहुलता में हो, लेकिन वहां भी मारकाट होती है, वहां भी झगड़ा लड़ाई होती है। और हिंदुओं में तो 90% पटना हाईकोर्ट में जो मुकदमा है वो दो भाइयों के बीच में है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, दोनों भाई आपस में इतने लड़ते हैं जो सारे मुकदमे हाईकोर्ट जाते हैं। तो वो ऐसी, देखिए ऐसी बात नहीं है, बात ये है जो झगड़ा जब होता है, जब वो हिंदू और मुसलमान झगड़ा होता है तो विभाजी के लिए कहानियां का किरदार बनता है, लेकिन जब दो भाई जब झगड़ा करते हैं तब हम उसको दूसरा स्वरूप देते हैं, जब दो दोस्त झगड़ा करते हैं तो दूसरा स्वरूप देते हैं, सास और बहू में झगड़ा होता है तो उसको हम दूसरे विमर्श से देखने लगते हैं। ये नहीं है, हमें एक बेटर सोसाइटी बनानी है, और उस बेटर सोसाइटी को बनाने में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, हमें उपन्यास, कहानी या इतिहास सबके माध्यम से उस पर पर्दा डालना है, उसको दूर करने का प्रयास करना है, और उस दूर करने के प्रयास में सबका सहयोग लेना है। ऐसा नहीं है जो हम एक बंदूक के नाली पर रख करके हम किसी समाज को बदलने के लिए कह देंगे या किसी को जबरदस्ती हम अपना डिक्टेशन देना शुरू कर देंगे। कहानियों के माध्यम से हम उन्हें इस लायक बनाते हैं जो वो अपनी ही रिवाज पर, अपनी ही संस्कृति पर, अपने ही पिछड़ेपन पर में फिर से वो गौर करें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो बच्चा हो कि महिला हो, कोई भी हो, हम एक बेटर समाज की ओर जाएं। बेटर समाज जाएगा, उसमें जो रोल होगा फिर विभा रानी को ही तलाशा जाएगा, क्योंकि हम ये कहते हैं जो लेखक पहले ही जाता है, समाज बाद में जाती है, सरकार बाद में जाती है। बहुत धन्यवाद। तो इस पूरी परिचर्चा में जो दो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे सामने निकल कर आए, मुझे लगता है अगर उस मर्म को अगर समझ लिया जाए कि एक मुसलमान ये कहता है कि ये वतन हमारे ईमान का हिस्सा है, और एक हिंदू ये कहता है कि ये हमारे पुरखे हैं, तो ये दोनों ही जो वाक्य निकल कर आए हैं, मुझे लगता है ये हमारी साझी संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण ढंग से डिस्क्राइब करके चले गए, चर्चा से ये निकल कर आए हैं। और अगर हम इस कहानी संग्रह की बात करें तो हम देखते हैं कि मुस्लिम समाज या भारत के मुसलमान की अगर हम बात करें तो उनकी भी अपनी एक चिंतन धारा है जिस पर हम सभी को बराबर बात करनी चाहिए। उनका अपना एक सांस्कृतिक वेशभूषा है, उनकी अपना इतिहास है, वास्तुकला है, संगीत है, साहित्य है, स्थापत्य कलाएं हैं, इन सभी से वो हमारे भीतर, मतलब हमारे भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है। उनको हमको बहुत ऐसे अलग वर्गीकृत करके हमको नहीं देखना चाहिए। बावजूद इसके जिस तरह की राजनीतिक स्थितियों की वजह से भारतीय मुसलमान जो हाशिए पर चला गया है, तो मुझे लगता है कि हाँ,
हमें एक मुस्लिम विमर्श की आवश्यकता है, और उस संदर्भ में अगर हम ये देखें तो आतिशदाने जो है वो मुस्लिम विमर्श की कहानियां जो है उनका एक अलग पाठ हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। तो मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी, प्रोफेसर, माफ कीजिए, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी और भैरव लाल दास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। विभा रानी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और स्त्रीकाल मंच का सबसे पहले और धन्यवाद कि वो मुझे हमेशा अपना मंच देते हैं कि मैं अपनी जिज्ञासाओं को यहाँ रखती हूँ, बात करती हूँ, और हमारा समय आधा घंटा ज्यादा हो गया है बावजूद इसके। आफरीन, आपका बहुत धन्यवाद, आप रुकी हुई हैं। संजीव चंदन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और हमारे जो दर्शक है, जो मैं, मेरी एक कमी है कि मैं उनके चैट नहीं पढ़ पाती, तो वो जो भी देख रहे हैं, जुड़े हैं हमसे, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपका आपका भी बहुत धन्यवाद, और आपने जो गांधी चंपारण और महिलाएं की चर्चा की, मैं जब दिल्ली आऊंगा या अपना आप एड्रेस भेजेंगी तो मैं किताब भेज दूंगा। और विभा रानी जी, जब पटना आए तो कृपया समय दें, और बोहरा कम्युनिटी पर मैं सिर्फ अकेले नहीं पढ़े, बांट चूट कर पढ़े। मिथिला की एक कहानी, मिथिला की एक बात होती है, कुछ भी आए तो बांट चूट कर खाएं। और मुश्ताक साहब को फिर से, हाँ, गंगा नहाए, मुश्ताक साहब को फिर से आभार इतने सुंदर ढंग से चीजों को रखने के लिए। और दरभंगा आवे छी तो मालदा आम खाए वहां से लौक, और स्वागत अखनी आम छे अखन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सही में प्रोफेसर मुश्ताक साहब और भैरव भाई, आपका बहुत धन्यवाद, और इनका पिताजी का और दादाजी का, तो आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जोड़ा। वैसे आज मेरी बहुत व्यस्तता थी, मैं कहीं और हूँ, उसके बावजूद पूरे दिन, दो दिन से एग्जाम चल रहे हैं ना वो कमीशन के, उसके बावजूद भी, लेकिन चूंकि वक्त दिया था तो मैंने ये रात का शब्बक है। शब्बक, शब्बक।